नए वर्ष में पहली बार पत्रकारों से रूबरू होते मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। श्री बन्ना ने कहा कि कांग्रेस 50 वर्ष सत्ता में रही तो 50 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल था, लेकिन बीजेपी के 8 वर्ष में 100 से ऊपर डीजल पेट्रोल की कीमत हो गई है। वहीं महंगाई, बेरोजगारी के बावजूद केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार के सवाल पर पूर्व विधायक ने कहा कि पहले कांग्रेस की लहर थी, फिर भाजपा और बसपा की हुई है, अब पुनः कांग्रेस की लहर है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस केंद्र और प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। श्री बन्ना ने कहा कि भाजपा शासनकाल में भ्रष्टाचार, लूट, मारपीट, चोरी जैसी घटनाओं की बढ़ोतरी हुई है। इन्हीं सब मुद्दे को लेकर प्रदेश और देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आइए आपको सुनाते हैं मऊगंज के पूर्व विधायक कांग्रेस नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना ने भाजपा पर निशाना साधते हुए क्या कहा है। एक जमाना था कि भाजपा रीवा जिले में शून्य थी, एक जमाना आया कि कांग्रेस आधा हुई, फिर बसपा आ गई, लग रहा था कि हाँ बसपा में है, अब फिर से धीरे से कांग्रेस का समय रीवा का वापस आ रहा है। और आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी जी की पदयात्रा चल रही है, लाखों लाख भीड़ दिखाई दे रही है, और फिर हम लोग भी क्षेत्रों में हैं और जहां भी कांग्रेस के कार्यक्रम हो रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, लूट मार और आपके भ्रष्टाचार, और युवा जिस तरीके से बेरोजगार घूम रहे हैं, जिस तरीके से महंगाई चरम पर है, इन सब मुद्दों को लेकर के जनता पूरी तरह से आहत है। और रीवा ही नहीं, पूरे प्रदेश में, देश में सरकार कांग्रेस का माहौल बन रहा है, और रीवा में तो कांग्रेस आएगी ही। कमलनाथ जी ने ठीक कहा कि सीना ठोक कर कह सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं, उठी लेकिन अब पूरी तरह से सरकार संलिप्त है। यही तो बात हमने कहा कि जब राहुल गांधी जी में जब उनकी बात सदन में नहीं सुनाई गई, तभी तो वो पदयात्रा करने निकले, जब मीडिया ने भी सपोर्ट करना बंद कर दिया, जब सारी चीजें मतलब एक तरीके से दिखाना बंद कर दिए, सिर्फ सरकार के पक्ष में सारी चीजें होने लगी, तभी तो ये पदयात्रा चालू हुई। पदयात्रा क्यों, मैंने पहले बताया 2018 में मिला, उन्होंने मुझको आश्वस्त किया था कि हम आपको पानी, इसलिए कि मध्य प्रदेश सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुख्यमंत्री योगी जी से मिल लीजिए, अगर वो अनुमति दे देंगे तो हम आपको पानी दे देंगे, हम आपके लिफ्ट इरिगेशन बना देंगे। मैं उनसे गया मिला, उन्होंने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त किया था कि हम आपको पानी दे देंगे, लेकिन समय कम था मेरे पास, जिसके कारण वो बात अधूरी रह गई। अब समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश दोनों भारतीय जनता पार्टी सरकार, उनकी अनुमति चाहिए थी और इनको देना था। 5 सालों में कुछ हुआ उसमें कि यथावत है। हमने बताया ना कि ना आगे गया ना पीछे गया, यथावत हो रखा हुआ हर चीजें, सिर्फ हम आंदोलन न करें, प्रदर्शन न करें, इसके लिए जरूर बता दिया जाता है कि ये सब सारी चीजें नहीं, तो पीला ना सही, पीला बनाने की बात करने की तरह पहला चुप ही नहीं रहा जा सकता, बोलना तो पड़ेगा आपको। फरवरी लास्ट जनवरी नहीं, आंदोलन तो जिला के लिए भी, ऐसा थोड़ी है कि जिला हमने छोड़ दिया है, हम तो एक आंदोलन करेंगे तो सरकार फिर ये कहती है कि उनको आना, वही बात कह रहे हैं कि विपक्ष के विधायक जो है तो आंदोलन कर दे, इसलिए रुक जाता है। हम चाहते हैं जिला बने, मऊगंज का भला हो, उजड़े नहीं मऊगंज जिस तरह से उजाड़ा गया, रहने दीजिए। कैलाशपुर के लिए तो करिए, बिल्कुल कैलाशपुर के लिए करेंगे, और किया है कोई पहली बार तो अभी बताए ना, अब उसकी बारी आई गई है। आप लोगों के बुलाने का मतलब हमारा यही है कि अपने मुद्दे को मैं पहले भी करता रहा हूं, आगे भी करूंगा, कैलाशपुर लिफ्ट इरिगेशन के लिए करूंगा, आपके जिले के लिए करूंगा, सारी चीजों की लड़ाई लड़ूंगा। नरेंद्र मोदी जी को मैं मान सकता हूं, बाकी जितने बड़े बड़े नेता हैं सब कांग्रेस पार्टी से गए हैं। रीवा जिले में आप ले लीजिए नागेंद्र सिंह जी, हमारा तो ये मुद्दे है, हमने तो बता दिया ना कि हमारे मुद्दे अधूरे रह गए, मैं चुनाव हार गया, स्वाभाविक है कि 5 साल पर्याप्त तो कोई चीजें नहीं होती, मैं नहीं कर पाया, जो काम किए थे वही आधा अधूरा रह गया, और उन्हीं कामों में पतीला लगा लगा करके और सीधे पोत पोत करके अपना नाम लिखा जा रहा है। हम कहते हैं कि जो अभी जीते थे उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, बाढ़ सागर पानी की बात हो या और भी जो काम अधूरे थे उनको पूरे करने, वो नहीं हो पाया। हमारी तो प्राथमिकता है, मैं विधायक रहूं ना रहूं, लड़ूं ना लड़ूं, हर मुद्दे के लिए लड़ना और अपनी बात रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, वो मैं करता रहूंगा। कि भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है, भ्रष्टाचार तो घर में हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार रहा, ऐसा भ्रष्टाचार तो मैं समझता हूं कि देखने को कभी नहीं मिला। अब आप भी इस बात को जानते हैं, पर आप डरते हैं लिखने में। 50 रुपए लीटर रहा,
और 7 साल में डीजल पेट्रोल हो गया 100 रुपए लीटर। कैसे हो गया, क्यों हो गया, एक बात का आप जवाब, आप ही जवाब दो। मैंने 7 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो 100 रुपए डीजल पेट्रोल हो गया, और 50 साल कांग्रेस की सरकार रही तो 85 रुपए रह गया, मैंने हर 1 साल में 1 रुपए बढ़ता था। मैं चौथी पढ़ी में जब पढ़ रहा था उसमें बावन रुपए कांग्रेस की 2011-13 में सरकार की है, 52 रुपए था। आप रेट देख लो, हम कहते हैं कि उसी हिसाब से आप भ्रष्टाचार भी जोड़ लो। 40 साल बनाने के लिए सदन बनाए गए, नहीं तो ऐसे चलता रहता तंत्र, क्या जरूरत है किसी को कोई भी बड़ी बात करना। हम कहते हैं कि जैसे भैया ने कहा कि आप जो है तो डीजल और जीएसटी लागू करवा दीजिए, इसके लिए लागू कराना न कराना ये सदन की बात, मैं भी 5 साल विधायक रहा, जब कोई निर्णय होते हैं तो सदन में ही होते हैं। अभी बड़ी तेजी से सीडी का मामला उछला कि हमारे पास है, इसमें सब भाजपा नेताओं का कुछ है, लेकिन अब कल कमलनाथ जी ने स्वयं कह दिया कि मेरे पास नहीं हो तो पुलिस वालों ने हमको लैपटॉप में दिखाया था, बोले कि सीडी हमारे पास नहीं है कुछ दिन पहले। अब इसका मामला तो मुझे देखे, गृह मंत्री कह रहे हैं कि अगर रही होगी तभी बोला होगा, बाकी मुझे इसके बारे में बहुत आइडिया नहीं है। पहले बोला कि है, इसीलिए तो नरोत्तम जी कह रहे हैं कि कमलनाथ नहीं पलटनाथ। 2023 में मतलब सरकार बना रहे हैं? मैं नहीं बना रहा हूँ सरकार, जनता बनाएगी। जनता तो बनाएगी, रहेगी कितने महीने? देखिए ऐसा है कि कोई एक, हम कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे उनकी सरकार 1 दिन में गिर गई थी, 13 दिन में गिर गई, ये सब परिस्थितियां होती है। हम कहते हैं कमलनाथ जी की सरकार अगर 15 महीने में गिर गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर 15 महीने में गिर जाएगी, सरकार भी बनेगी 5 साल नहीं 10 साल चलेगी, यही तो डर था। ठीक है, कभी कभी दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसे निर्णय हो जाते हैं, कुछ गलतियां हुई,